नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। मौसम के माने गिरा सेब का उत्पादन, गुणवत्ता और स्वाद पर भी पड़ा असर। शिमला जिला में मौसम के माने सेब की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। सेब की फसल का न केवल उत्पादन कम हुआ है बल्कि स्वाद को भी बिगाड़ा है। भारी वर्षा ओलावृष्टि के कारण बगीचों में सेब की फसल काफी खराब हुई है। इससे गुणवत्ता पर खासा असर पड़ा है। इससे बागवानों और आढ़तियों को नुकसान हुआ है। शिमला की भट्टाकूफर फल मंडी में सेब सीजन खत्म हो गया है। पिछले वर्ष जहां भट्टाकूफर फल मंडी में 20,49,412 सेब की पेटियां पहुंची थी, वहीं इस बार 8,10,108 पेटियां ही पहुंची। जिला में अभी तक 1,91,00,000 सेब की पेटियां बिक्री के लिए पहुंची। ये शिमला जिला की मंडियों के अलावा बाहरी राज्यों की मंडियों को भेजी गई। नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव न होने से कार्य ठप, जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है। प्रदेश में नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आपदा राहत और पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्यक्रमों में बहुत देरी हो रही है। सरकार द्वारा नगर निगमों, नगर पंचायतों को जारी किए गए धन की आधी राशि वापस मांगना बचकानी हरकत है। उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम करती है जो सिर्फ हास्यास्पद लगता है। मेयर किसी शहर का पहला नागरिक होता है। जनता द्वारा चुने जाने के कारण जनता के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। ऐसे में उन्हें कार्य न करने देना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। आउटफील्ड पर फिर उठे सवाल, डाइव लगाने से बचते रहे खिलाड़ी। धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड एक बार फिर से चर्चा में रही। अपनी पहली गेंद फेंकते समय मोहम्मद सिराज ने खराब आउटफील्ड के बारे में कप्तान रोहित को इशारों में बताया। इसके अलावा कमेंटर रवि शास्त्री और हरभजन सिंह ने भी मैदान की खराब आउटफील्ड पर चर्चा की। मैच के दौरान कई खिलाड़ी डाइव लगाने से पूरी तरह से बचते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज जैसे ही मैदान में दौड़े तो उनके जूतों से मैदान की रेत उखड़ती हुई नजर आ रही थी। इस दौरान शायद मोहम्मद सिराज को रनिंग करने में कुछ दिक्कत हो रही थी। उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को आउटफील्ड की ओर इशारा करते हुए कुछ बताया। कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और हरभजन सिंह ने भी धर्मशाला मैदान के आउटफील्ड पर सवाल खड़े किया। हरभजन सिंह ने कहा कि धर्मशाला मैदान में पहले हुए मैचों के मुकाबले इस बार आउटफील्ड पर घास बहुत ही कम है। क्रिप्टोकरेंसी ठगी, पूछताछ में हुआ खुलासा, लोगों से ठगा पैसा, आरोपियों ने शेयर मार्केट में भी लगाया। हिमाचल में क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले में नए खुलासे हो रही है। पुलिस एसआईटी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम देकर प्रॉपर्टी खरीदने के अलावा लोगों का पैसा शेयर मार्केट में भी लगाया है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जांच टीम हर पहलू को खंगाल रही है। आरोपियों ने अधिकतर निवेश बाहरी राज्यों में किया। अब तक की जांच में ठगी का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा और उसकी करीबी अभिषेक ही माना जा रहा है। जांच में उसकी कई संपत्तियों का पता चला है। पुलिस एसआईटी ने 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर दिया है, जबकि 5 करोड़ की संपत्ति को जल्द जब्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। आरोपियों ने अधिकतर संपत्तियों को सगे संबंधियों के नाम से खरीदा है। कालेधन को सफेद करने में भी आरोपी लगे हुए थे।